अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैथमेटिक्स 4024, वेलकम टू मैथ्स गुरु। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम फाइन टू अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद वन मोर वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ सर्ड्स। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। इंशाल्लाह आई विल बी मेकिंग सम मोर वीडियोज ऑन सर्ड्स, सो स्टे ट्यून्ड टू मैथ्स गुरु। एज फार एज दिस वीडियो इज कंसर्न, इंशाल्लाह इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्ड्स एंड वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन एंड देन वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स। And we will also discuss the first and the most important concept of surds, that is how to simplify them. So I hope this video will be helpful for you. So without wasting any time, let's just start with the introduction of surds. We are starting with the definition of surds first. If you want to define surds, surds are basically irrational numbers. सर्ड्स जो हैं वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। आपको प्रीवियस नॉलेज होगी रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की। तो इरेशनल नंबर्स जो हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते थे, जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होते थे, चलते रहते थे, जिनको हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कहते थे। तो सर्ड्स बेसिकली इरेशनल नंबर्स हैं। अगर डेफिनेशन की बात करो तो मैंने यहाँ लिखा है, सर्ड्स आर द रूट वैल्यूज दैट कैनॉट बी रिटन एज होल नंबर्स। मतलब आपको सर्ड्स जो है ना वो इस साइन के अंदर दिखेंगे, आपको ऐसा दिखेगा सर्ड, ठीक है। इस साइन को हम रूट साइन भी कहते हैं, इसको हम रेडिकल भी कहते हैं। तो सर्ड्स आपको हमेशा जो है ना वो रूट साइन के अंदर दिखेंगे। रूट साइन के अंदर कोई नंबर लिखा हुआ होगा तो सर्ड्स आपको इस तरह दिखेंगे। और जब आप अपना कैलकुलेटर यूज़ करोगे और ये रूट वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो वो रूट वैल्यू जो है ना वो होल नंबर की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, मतलब वो कम्प्लीट नहीं होगी, वो चलती रहेगी, ठीक है। मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी, चलती रहेगी। तो इस तरह का जो नंबर है ना इसको हम कहते हैं सर्ड, ठीक है। सर्ड की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि वो हमेशा इस तरह रूट साइन में आपको नज़र आएगा, और जब आप उसको कैलकुलेटर से उसकी डेसिमल वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो वो ऐसा नंबर होगा जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा, जिसको हम कंप्लीट होल नंबर की फॉर्म में जो है वो नहीं लिख सकेंगे। तो ऐसी चीज़ जो है ना, ऐसे नंबर्स हम सर्ड्स कहलाते हैं। अच्छा, अब ये आपको यहाँ जो है वो रूट साइन नज़र आ रहा है, ये जो जगह होती है ना, यहाँ जो नंबर होता है इसको हम कहते हैं इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ इंडेक्स में आपको कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ टू लिखा हुआ है, तो ये स्क्वायर रूट बन जाता है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ टू इज़ बेसिकली अ सर्ड, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट ऑफ टू की मैं डेसिमल वैल्यू निकालूंगा कैलकुलेटर से तो वो मेरे पास आएगी 1.4142 और वो चलती रहेगी। सिंस कैलकुलेटर इज़ डिज़ाइन टू 8 डिजिट्स, हमारा जो कैलकुलेटर है वो 8 से 10 डिजिट्स तक के लिए डिज़ाइन होता है, उसमें से हमें 8 to 10 डिजिट्स ही नज़र आते हैं, तो वो फिर आपको लगेगा कि शायद वो कंप्लीट वैल्यू है, लेकिन वो कंप्लीट वैल्यू नहीं होती, वो चलती रहती है। तो कभी भी आप जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ टू निकालोगे तो वो आपके पास इस तरह की वैल्यू नज़र आएगी, जिसको आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीट वैल्यू नहीं है, वो तो चलती रहेगी। अब आपको अगर यूज़ करना है अपनी कैलकुलेशन में तो यू हैव टू राउंड दैट नंबर ऑफ, आप उसको राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस तक ले लोगे। अच्छा, अब यहाँ मेरे पास एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं कि ये जो साइन है रूट साइन, अगर इसकी इंडेक्स में कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ तो ये स्क्वायर रूट कहलाता है। अच्छा, अब अगर यही साइन है और इसकी इंडेक्स में 3 लिखा हुआ है तो ये क्यूब रूट बन जाता है। इफ़ 4 इज रिटन इन द इंडेक्स इट विल बिकम द 4th रूट, अगर 5 है इंडेक्स में तो ये 5th रूट बन जाएगा, एंड सो ऑन। तो सर्ड्स आर बेसिकली द रूट वैल्यूज। अब ये रूट वैल्यूज जो है ना, ये स्क्वायर रूट भी हो सकता है, ये क्यूब रूट भी हो सकता है, ये 4th रूट भी हो सकता है, एंड दिस कुड ऑल्सो बी द 5th रूट। तो सर्ड्स ऐसी रूट वैल्यूज़ हैं जो कि कंप्लीट नहीं होती, जो कि इनकम्प्लीट होती हैं, जिनको हम होल नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ऐसी नंबर्स को, ऐसी रूट वैल्यूज़ को वी कॉल इट सर्ड्स। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इज़ बेसिकली सर्ड, क्योंकि इसकी कोई कंप्लीट जो है वो वैल्यू नहीं है, इसको हम कम्प्लीट होल नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, बिकॉज द वैल्यूज़ आर गोइंग ऑन एंड ऑन, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी ऐसे ही है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू 1.3205 एंड इट गोज ऑन एंड ऑन, ये भी सर्ड हो गया। लेकिन जब मैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 की बात करता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज बेसिकली 2। अब ये 2 जो है एक कंप्लीट नंबर है, 2 एक कंप्लीट होल नंबर है, ठीक है। इसके आगे आपको कोई डिजिट जो है वो नज़र नहीं आ रहे, ये जो है वो टर्मिनेटिंग नंबर है, ख़त्म हो गया, इसकी सिर्फ 2 वैल्यू आ रही है। तो ऐसे नंबर जो है ना वो सर्ड नहीं होते। अच्छा, इसी तरह अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 125 की बात करूं तो क्यूब रूट ऑफ 125 का मतलब क्या हो गया, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो 125 आए, मतलब ऐसा सेम नंबर। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विल गिव मी 125। सो क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5 एंड 5 इज अ कम्प्लीट नंबर,
इसके आगे आपको कोई वैल्यूज जो है वो नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब है ये भी सर्ड नहीं है। लेकिन अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 25 की बात करूं तो वो 2.9240 और फिर जो वैल्यूज हैं वो चलती रहेंगी, खत्म नहीं होंगी, तो इसका मतलब है दिस इज अ सर्ड। और अगर मैं फिर आपसे बोलूं कि भाई फोर्थ रूट ऑफ 16, तो फोर्थ रूट ऑफ 16 जो है ना वो 2 के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने 16 को 2 की पावर 4 लिख दिया, और फिर ये जो 4 है दिस विल कैंसल आउट दिस फोर्थ रूट, क्योंकि जिस तरह स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है, इसी तरह फोर से फोर्थ रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, और 2 जो है वो कंप्लीट नंबर है, होल नंबर है, ठीक है ना, इसका मतलब है ये भी सर्ड नहीं है। और इसी तरह फिफ्थ रूट ऑफ 32, 32 को मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, तो ये 5 और ये क्यूब रूट और सॉरी फिफ्थ रूट कैंसिल हो जाएगा, अगेन द आंसर विल बी 2। तो अगेन ये जो फिफ्थ रूट ऑफ 32 है दिस इज अगेन नॉट अ सर्ड, ये भी सर्ड नहीं है, ये भी सर्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनके आंसर जो है वो कंप्लीट आ रहे हैं। तो सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो सर्ड्स आर बेसिकली द रूट वैल्यूज जो कि कभी भी कंप्लीट नहीं होती, जो कि चलती रहती हैं, ठीक है, और इसी तरह सर्ड्स को फिर हम इरेशनल नंबर्स भी कहते हैं। अब ये रूट वैल्यू सिर्फ स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्यूब रूट भी है, फोर्थ रूट भी है, फिफ्थ रूट भी है, एंड गोज ऑन एंड ऑन, 6, 7, 8 जो रूट आपको गिवन हो अगर उसकी कंप्लीट वैल्यू कैलकुलेटर से नहीं आती तो इसका मतलब है कि ये सर्ड है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो टॉपिक है ना ये पेपर वन में आता है, तो अब पेपर वन के लिए आपको जो है ना वो कुछ वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी, कुछ तो आपको जैसे 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने जो है वो पावर और इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया, 2 स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि 4 होता है। 2 क्यूब का क्या मतलब हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब आपने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 8, ठीक है, 2 3 जा 6 नहीं लिखते, ये जो है वो गलत हो जाता है, 2 क्यूब का मतलब है यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 8। अच्छा, 2 टू द पावर 4 विल गिव अस 16, 2 टू द पावर 5 विल गिव अस 32, 2 टू द पावर 6 विल गिव अस 64 एंड 2 टू द पावर 7 विल गिव अस 128। तो ये आपको कुछ वैल्यूज हैं ये याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि पेपर वन का टॉपिक है तो पेपर वन में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो ये फिर सिंप्लीफाई करने में हमें आसानी होगी। 3 स्क्वायर इज 9, 3 क्यूब इज 27, 3 टू द पावर 4 इज 81, 3 टू द पावर 5 इज 243, क्योंकि इंडाइसिस का टॉपिक है बेसिकली सर्ड्स, तो इंडाइसिस में ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं। 4 स्क्वायर इज 16, 4 क्यूब इज 64, 5 स्क्वायर इज 25 एंड 5 क्यूब इज 125। याद रहे कि 5 क्यूब का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं है, 5 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विल गिव यू 25 एंड देन 25 मल्टीप्लाई बाय 5 विल गिव यू 125। तो ये पावर का मतलब होता है कि इसको इतनी टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 पे अगर पावर 3 है तो उसका मतलब है मुझे 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो दैट वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्ड। सर्ड जो है वो इरेशनल नंबर्स हैं, ऐसी रूट वैल्यूज हैं जो कि कभी कंप्लीट नहीं होंगी, जो चलती रहेंगी, ताकि इसी वजह से हम उनको होल नंबर्स में नहीं लिख सकते। अगर कोई नंबर जो है वो कंप्लीट हो जाए, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसका आंसर 2 आ जाता है, ठीक है, तो इसकी रूट वैल्यू कंप्लीट है, तो ये सर्ड नहीं है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो जितने परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, परफेक्ट क्यूब्स हैं, जिनके फोर्थ रूट्स आते हैं, फिफ्थ रूट्स आते हैं, वो सारे के सारे सर्ड जो है वो नहीं हो सकते। जिनके नहीं आते, इनकम्प्लीट वैल्यूज होती हैं, तो वो सारे के सारे जो है वो सर्ड्स होती हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ना सर्ड्स पे, वो आता है सिंप्लीफाइंग सर्ड्स। आपको सर्ड्स को सिंप्लीफाई करना होता है, मतलब छोटे नंबर्स में ब्रेक करना होता है। अच्छा, अब उसका मेथड क्या है, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट क्वेश्चन इज, चूंकि यहाँ इंडेक्स में कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि ये 2 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 98 जो है ना ये हमें एक सर्ड दिया हुआ है और हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए जो है वो हमारे पास बड़ा आसान सा मेथड है जिसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जो एलसीएम जो यूज़ करते हैं ना जिस तरीके से, इसको बेसिकली एलसीएम वाला मेथड नहीं कहते, लेकिन ये एलसीएम में भी हम इसी तरह की फिगर बना के जो है वो सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ भी जो है वो बिल्कुल इसी तरह करेंगे। सिंस दिस मेथड इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, दैट इज 2। इसको 2 से स्टार्ट करते हैं, चूंकि इवन नंबर है तो ये 2 से हो जाएगा, तो 2 टाइम्स 4 इज 8 और 1 जो है वो आगे चला जाएगा, कैरी हो जाएगा 18, तो 2 9 18 हो गया। अब ये इवन नंबर नहीं है तो ये 2 से नहीं होगा और ये 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, तो इसको डायरेक्ट 7 से करके देखते हैं, तो 7 टाइम्स 7 इज 49 और फिर जो है वो 7 टाइम्स 1 इज 7। इस तरह मैंने जो है ना वो अपने जो नंबर मुझे गिवन था मैंने उसके फैक्टर्स बना लिए, उसके समझो प्राइम फैक्टर्स बना लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, इन प्राइम फैक्टर्स को जो है ना वो स्क्वायर रूट के साइन के अंदर लिखूंगा इस तरह,
अब जैसे मैंने ये स्क्वायर रूट का साइन बना लिया, अब मैं इसके अंदर 98 नहीं लिखूंगा, मैं 98 की जगह पे क्या लिखूंगा, 2 × 7 × 7, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब ये देखना है कि अगर कोई नंबर, सिंस ये स्क्वायर रूट है तो आपने यहाँ छोटा सा 2 लिख दिया, और उसके बाद आपको ये देखना है कि अगर इस रूट के अंदर कोई नंबर 2 बार प्रेजेंट है तो उसको पेयर बना के जो है ना वो आपको रूट से बाहर निकाल लेना है इस तरह, ठीक है। सिंस दिस 7 वॉज प्रेजेंट 2 टाइम्स तो मैंने इसको पेयर बना लिया, और जब कोई नंबर पेयर बन जाता है मतलब 7 स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 7 2 बार है तो ये 7 स्क्वायर हो जाएगा, तो जब कोई नंबर अंदर स्क्वायर की फॉर्म में आ जाता है तो वो रूट से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो 2 का पेयर बन गया, सॉरी 2 का पेयर बन गया तो ये 7 जो है बाहर आ जाएगा, और फिर क्या बच गया, 2 बच गया। क्या 2 का कोई और पेयर है, नहीं है, तो इसका मतलब है 2 will remain इन द स्क्वायर रूट, और ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 7√2। मैंने अपने जो सर्ट था √98 उसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख लिया 7√2। इसको पढ़ने का तरीका ये है 7√2, ठीक है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, 40 है, जल्दी से आपने 40 लिखा, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज किया। अब सिंस ये प्राइम फैक्टराइजेशन है तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, मैं इसको 2 से शुरू करता हूँ, और वैसे भी ये इवन नंबर है तो 2 से हो जाएगा, तो 2 × 20 = 40, तो यहाँ मैंने 20 लिख लिया, और फिर अगेन 2 से होता है तो 2 × 10, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आ जाएगा, और फिर अगेन इवन नंबर है फिर 2 से हो जाएगा तो 2 × 5, और फिर 5 जो है वो इवन नंबर नहीं है, 5 से 5 के टेबल में ही आता है, और तो इसका मतलब है 5 × 1 = 5। अब मैंने सारे इसके फैक्टर्स निकाल लिए हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, अब मैं इनको जो है वो स्क्वायर रूट साइन के अंदर लिख लेता हूँ जल्दी से, और फिर देखता हूँ कि भाई कौन सा जो है वो पेयर बन रहा है, जो पेयर बन रहा है वो रूट से बाहर आ जाएगा, और जो पेयर नहीं बन रहा दैट विल रिमेन इन द रूट। तो 2 × 2 × 2, 2 मेरे पास जो है वो 3 टाइम्स है, तो मैंने जो है वो 2 को 3 टाइम्स लिख लिया, 2 × 2 × 2, एंड देन 5 is only 1 टाइम, सो आई विल जस्ट राइट 5 1 टाइम, मैंने 5 को 1 टाइम लिख लिया। अब नाउ आई हैव टू सी कि कोई पेयर बन रहा है, तो सिंस 2 is present 3 टाइम्स तो ये 2 का पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2 जब पेयर बन जाएंगे तो 2 will come outside, और फिर रूट के अंदर जो है मेरे पास 2 और 5 बच जाएंगे, ठीक है। तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 × 5 = 10, तो मैं इसको 2√10 लिख लेता हूँ, तो दैट विल बी माई फाइनल आंसर। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। जल्दी से लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज 2√75। तो 2 को तो मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, मैं तो अपनी सर्ट को सिंप्लीफाई करता हूँ, ये सर्ट ही है बेसिकली, ठीक है। सर्ट समटाइम्स जो है वो आपको इस तरह जो है वो सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर नजर आती है, और कभी होता है कि स्क्वायर रूट से बाहर इस तरह नंबर भी लिखा होता है, तो ये भी बेसिकली सर्ट ही है। तो इसको पढ़ने का तरीका वही है, 2√75 या 2√75। तो अब मैं 2 को सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकता, मैं इसको 75 को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ जल्दी से। अब सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है, तो ये इवन नंबर तो नहीं है, तो मैं इसको 2 से नहीं स्टार्ट कर रहा, मैं 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 3 से मैंने स्टार्ट किया, 3 × 2 = 6, अब 1 बचा, 1 आगे चला गया, 15 हो गया, 3 × 5 = 15, एंड देन 25 मुझे पता है 3 के टेबल में नहीं आता, उसके बाद प्राइम नंबर 5 है तो 5 से किया, 5 × 5 = 25, और फिर 5 × 5 = 1, तो मेरे पास जो है वो सारे 75 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। याद रहे कि 2 जो है ना वो बाहर मौजूद है, सही है। तो 2 को मुझे जो है वो इस तरह लिखना पड़ेगा। अब ये जो स्क्वायर रूट का साइन है, ये स्क्वायर रूट के साइन में मैंने जो है वो क्या क्या था मेरे पास, आई हैव 3 मेरे पास जो है वो 1 बार है, और 5 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब है 5 का जो है वो पेयर बन के 5 जो है वो बाहर आ जाएगा, और याद रहे कि बाहर जो है वो पहले से 2 मौजूद है, ठीक है। तो ये 5 5 का मैंने पेयर बनाया, 5 अब बाहर आएगा तो 2 को नहीं भूल जाना, 2 को लिखना है आपको, अगर आप 2 नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। 5 will come outside, और पेयर किसका नहीं बना, पेयर 3 का नहीं बना, तो पेयर 3 जो है इट विल रिमेन इन द स्क्वायर रूट, 2 × 5 = 10, सो 10√3 विल बी माई फाइनल आंसर। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो दिस विल बी माई फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये दैट वॉज द मेथड ऑफ सिंप्लीफाइंग सर्च। सिंप्लीफाई सर्च करने के लिए आपको जो है वो इस तरह जो है वो आपको लेटर बनानी है, समझो ऊपर नंबर लिख के आपको जो है वो डिवाइड करना शुरू करना है, और डिवाइड हमेशा प्राइम नंबर से करेंगे क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, इवन नंबर है तो 2 से, वरना 3 5 7 इस तरह आगे बढ़ते रहेंगे, और फिर जब आखिर में 1 आ जाएगा तो रुक जाएंगे, और फिर ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसी तरह
अपने रूट साइन में लिख लेंगे। अब यहाँ चूंकि सारे स्क्वायर रूट थे तो इसीलिए स्क्वायर रूट का क्या होता है कि आपके पास इंडेक्स में कुछ नहीं लिखा होगा तो वो स्क्वायर रूट होता है, तो ये भी स्क्वायर रूट था और ये भी स्क्वायर रूट था। ठीक है, अगर 3 लिखा होगा तो वो क्यूब रूट हो जाएगा, फिर हम तीन तीन के पेयर्स बनाएंगे। अगर फोर्थ होता तो वो फोर्थ रूट होता, फिर हम चार चार के पेयर्स बनाते। तो चूंकि ये 2 था तो हमने दो दो के पेयर्स बनाए, जो पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है, जो पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर ही रह जाता है। ठीक है, अच्छा ये 7 जो है ना ये इंडेक्स में नहीं लिखना। कुछ बच्चे ये 7 जो है ना छोटा सा इंडेक्स में लिख देते हैं, ऐसा नहीं है भाई, 7 जो है ना वो बाहर का नंबर है, इंडेक्स में 2 ही है चूंकि ये स्क्वायर रूट है। तो दैट वाज ऑल अबाउट सिंप्लीफाइंग सर्ड्स। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एडिशन ऑफ सर्ड्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सर्ड्स, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर्स वगैरह, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना ये बारी बारी मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। इंशाल्लाह सर्ड्स का टॉपिक इतना बड़ा नहीं है, कुछ ही कॉन्सेप्ट हैं इसके। दिस इज बेसिकली एन एड मैथ्स टॉपिक, ये एड मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन अब ये मैथ्स में भी जो है ना वो पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। बाकी वीडियोस भी मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके तुम लोग के साथ शेयर कर लूँ। तो जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन तुम्हें इंटरनेट पर मिल जाएंगे सिंप्लीफाइंग सर्ट्स के, तो ये वीडियो देखो और प्रैक्टिस क्वेश्चन ट्राई करो। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे लाजमी बताना। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।